ये कहानी है मोहनपुर गांव की। मोहनपुर गांव में हरिया नाम का आदमी रहा करता था। हरिया खेती करके अपने परिवार को पाल रहा था। जो भी फसल बिकती तो हरिया उन पैसों को अपनी पत्नी को दे देता। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अब दिन ब दिन हरिया को खेती में नुकसान होने लगा। अरे सुनती हो भाग्यवान, अब हम क्या करें? हर साल मुझे खेती में नुकसान हो रहा है और अब तो मेरे ऊपर गांव का कर्ज भी बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जान दे दूं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अपने पति हरिया की ये हालत देखकर हरिया की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन ऊपर वाले से हरिया के लिए प्रार्थना करने लगती है। आधी रात के वक्त सब सो रहे थे कि अचानक हरिया को कुछ आवाज आती है। वो बाहर आकर देखता है तो उसे एक भैंस दिखाई देती है। अरे ये भैंस किसकी है? कौन है भाई? कौन है ये भैंस किसकी है? अरे कौन है भाई? कौन है? हरिया के लाख बुलाने पर वहां कोई नहीं आता। चलो इसे मैं अब सुबह देखूंगा, रात बहुत हो चुकी है। इतना कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन जैसे ही वो भैंस को देखता है तो भैंस के नीचे से तेज दूध की धार निकल रही थी। अरे बाप रे, इतना दूध, वो भी खुद निकल रहा है। भाग्यवान सुनो, जल्दी से बर्तन लाओ। इतना कहकर हरिया और उसकी पत्नी अपने घर के सारे बर्तन भर लेते हैं। हरिया अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। देखो भाग्यवान, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब तुम एक काम करो, थोड़ा दूध रोक कर तुम इसे गांव में बेच दो। इससे जो पैसे मिले तो तुम उन पैसों को उन्हें दे दो जिन लोगों का हमारे ऊपर कर्जा है, और मैं इस भैंस को खेत पर ले जाता हूँ। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है और हरिया की पत्नी दूध बेचकर उन पैसों से अपना कर्ज उतार देती है। दूसरी तरफ खेत में हरिया अपनी भैंस के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ता तो वैसे वैसे खेत में फसल उगने लगती। ये देखकर हरिया बहुत खुश हो जाता है। अरे मेरा खेत, मेरा खेत, ये खेत तो बंजर था, तो उपजाऊ कैसे हो गया? ओ बल्ले 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 बल्ले, याहू, ये जादुई भैंस है। ओ बल्ले 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 बल्ले, डिंका चिक्का डिंका चिक्का, ये कोई मामूली भैंस नहीं बल्कि जादुई भैंस है। फिर क्या था, हरिया अब अपनी जादुई भैंस का ध्यान रखने लगा और अब दिन ब दिन उसकी फसल गांव की सबसे अच्छी फसल होती और गांव में हरिया की फसल सबसे महंगी बिकती। हरिया की भैंस के चर्चे अब पूरे गांव में मशहूर हो गए और जब लोग मशहूर हो जाते हैं तो दुश्मन भी हो जाते हैं। तो गांव में हरिया के दुश्मन थे सेठ रामदास। हर साल अब हरिया की फसल सबसे महंगी बिकती है। चंद दिनों पहले वो मेरे घर आता था पैसे लेने, और अब वो गांव का सेठ बन चुका है। सेठ, मैंने सुना है ये सारा कमाल उसकी भैंस का है। सुन कल्लू, तुझे मैं मुंह मांगे पैसे दूंगा अगर तू हरिया या उसकी भैंस को मार दे। ठीक है सेठ जी, मैं मार दूंगा। इतना कहकर वो चल देता है हरिया के घर की तरफ। जैसे ही वो भैंस उसे आता देखती है तो वो आवाज निकालने लगती है। अच्छा, तो तुझे मरने की ज्यादा जल्दी है। जैसे ही वो उसके नजदीक जाता है तो भैंस उसे मारने लगती है। ओ मोरी मैया, बचाओ बचाओ, आ आ, ओ मोरी मैया, बचाओ बचाओ। जैसे तैसे कल्लू बेचारा वहां से बचकर भागता है और वो सारी बात सेठ को बताता है। तुझसे कुछ नहीं होने वाला, तुम बस हराम की खाने वाले हो, मैं ही जाकर कुछ करता हूँ। इतना कहकर सेठ भी निकल पड़ते हैं उस भैंस को मारने और भैंस भी सेठ का वही हाल करती है जो कल्लू का किया था। अरे अरे मर जाऊंगा, अरे नहीं आऊंगा, अरे नहीं आऊंगा, बचाओ बचाओ। सेठ भी बेचारा जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और अब जो भी हरिया को मारने के बारे में सोचता तो वो जादुई भैंस उसे मारकर भगा देती। इसके बाद हरिया और जादुई भैंस गांव में आराम से रहने लगते हैं।